नमस्कार साथियों, आज फिर से हम चल पड़े हैं एक सुहाने सफर के लिए, एक ऐसी मंजिल की तरफ, एक ऐसे किले की तरफ जिसके बारे में कई सारी कहानियां कही गई हैं और कई सारी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। आज वहां पहुंचकर मालूम करेंगे वहां की सच्चाई के बारे में, क्या है असलियत और क्या है फसाना। और वहीं पर निर्मित 113 चढ़ाव उतरने के पश्चात प्राकट्य श्री महादेव का, भोलेनाथ का शिवलिंग। वहां के पंडितों से मालूम करेंगे वहां का प्राकट्य कैसे हुआ और क्या है वहां की महिमा। तो बने रहे इस वीडियो में पूरे मेरे साथ में। आज हमारा सफर है कजली गढ़ की ओर। इस वीडियो में आपको कई सारी ऐसी अनछुए पहलू की जानकारी प्राप्त होगी जो आज तक आप लोगों से थी बहुत दूर। आप इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ पूरे वीडियो में जुड़े रहें। हर हर महादेव। ये कजलीगढ़ किला जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है और यहाँ वर्तमान में कजलीगढ़ जैसा प्रतीत होता है कि अंदर अवश्य एक बड़ा सा महल रहा होगा या किले जैसे नुमा कुछ अंदर आकृति होंगी, भवन होगा, लेकिन अभी अंदर देखेंगे हम कि स्थिति है। लेकिन वर्तमान में देखा जाता है कि सिर्फ एक दीवारें नुमा ही यहाँ पर आकृतियाँ हैं और वर्तमान अवशेष मात्र ही इस कजलीगढ़ किले में अवशेष रह गए हैं। सप्तऋषि की जो बेटी मंदोदरी थी, उनका रावण से मिलन इसी जगह पर हुआ था। एक और मान्यता है कि एक मंदिर जो कलकत्ता में है, कामाख्या देवी मंदिर, वहाँ की एक महिला जो कि कजली के नाम से जानी जाती थी, वो तंत्र विद्याओं में, मंत्रों में काफ़ी सिद्ध थी। उन्होंने यहाँ पर काफ़ी तपस्या करी और सिद्धियाँ हासिल करी और शायद उन्हीं की वजह से इस जगह का नाम, इस क्षेत्र का नाम, इस किले का नाम कजलीगढ़ किला रखा गया है। बाद में करीबन 250 वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है कि होलकर महाराज के द्वारा इसे सैन्य सुरक्षा हेतु इसे सैन्य छावनी के रूप में तब्दील किया गया था और यहाँ से पूरी सैन्य सुरक्षा का पूरा क्रियाकल्प, पूरी क्रियाएं यहाँ से ही संपन्न की जाती थी। हम जो है कजलीगढ़ किले पर आ चुके हैं और जो किले का नाम दिया गया है, वर्तमान में यहाँ सिर्फ अवशेष नाम ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ दीवारें हैं और जो कि ये इशारा करती हैं यहाँ पर एक गढ़ जैसा कुछ रहा होगा। यह आप टूटी हुई दीवारें यहाँ देख सकते हैं जो कि किले के नुमा दरवाज़ा दिया हुआ है और कुछ दीवारें ही शेष बची हैं यहाँ पर। और फिलहाल जैसे यहाँ पर एक किला जैसा तो नहीं कह सकते हैं, यहाँ देखना ऐसा आभास होता है कि यहाँ कोई सैन्य चौकी जैसा महाराजाओं के समय का माहौल रहा होगा। और चारों तरफ अगर यहाँ नज़र उड़ाते हैं तो काफ़ी गहरी खाइयाँ हैं और अगर यहाँ पे जरा सा अगर कोई दर्शक, यहाँ दर्शक आते हैं, विशेष ध्यान रखें कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोटेक्शन दिया गया है, रेलिंग को क्रॉस न करें क्योंकि उसके बिल्कुल बाद में देखते हैं तो गहरी खाइयां हैं और जंगली जंगल है। करीब करीब जहां तक नज़र मारी जाए तो 4 से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरे में एक जंगल जैसा और खाई जैसा ही माहौल है। एक सुंदर दृश्य माना जा सकता है कि यहाँ पर आकर के आपको एक पिकनिक स्पॉट यहाँ पर देखने के लिए, आपको सिर्फ हरियाली है और चंद कुछ दीवारें हैं और इसके पहले भी हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक किले की दीवार और देखने को मिलती है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब वर्तमान में कजलीगढ़ के नाम पर सिर्फ एक अवशेष नाम की दीवारें शेष रह गई हैं और बाकी और भी कुछ देखने के लिए यहाँ पर बाकी नहीं है। एक महादेव का मंदिर जो प्रसिद्ध है, हम उसको भी देखने की कोशिश करेंगे और बाकी सारा नज़ारा वर्तमान में खंडर के रूप में ही नज़र आता है। वर्तमान में ये जो आपको दीवारें दिख रही हैं, सिर्फ यही दीवारें इस कजलीगढ़ के नाम पर यहाँ नज़र आती हैं। इसको आप नज़दीक से अगर देखेंगे
तो ये पत्थरों की बनी हुई दीवारें हैं और बीच में आप ये छेद देख रहे होंगे दीवारों के बीच में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो सैनी चौकी रही होगी, तो यहाँ से जहाँ सैनिक रहते होंगे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसमें जो बंदूक उनकी रहती होंगी उसको लेकर के सुरक्षा जो गार्ड हैं वो यहाँ खड़े मुस्तैद रहते होंगे। और ज़्यादा विशेष कुछ देखने को नहीं मिलता है, कुछ एक इस टाइप की सैन चौकियाँ हैं, जैसे ऊपर अगर देखते हैं तो ऊपर एक गार्ड खड़ा रहता होगा, ऊपर शीर्ष पे देखते हैं अपन तो यहाँ ऊपर एक गार्ड रहता होगा, नीचे कुछ गार्ड खड़े रहते होंगे। आपको इसके अंदर चल के भी दिखाते हैं कि इसकी दीवार के अंदर की तरफ क्या दृश्य बनता है। गेट नुमा एक आकृति यहाँ देखने को मिलती है हमारे को, तो ये स्वाभाविक तौर पर यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। हम देखेंगे अंदर की तरफ में कि इसके अंदर क्या स्थिति है। जब ये अंदर हम आते हैं तो चारों कोनों पर अगर आप इसकी जो मुडेर है इस पर आप दृष्टि डालेंगे तो चारों कोनों पर एक गोल नुमा आकृति बनी है, तो ऐसा लगता है कि इन चारों कोनों के ऊपर गार्ड जो है मुस्तैद रहते होंगे और शस्त्रों के साथ लैस रहते होंगे वो, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही इसे बनाया गया था। एक बीच में भी स्थान दिया गया है, तो यहाँ पर भी या तो तोप या कोई ऐसा सुरक्षा यंत्र अवश्य ही यहाँ पर रखा जाता रहा होगा। ये सामने हम दृष्टि मारते हैं तो कुछ कमरे जैसी आकृति हमें नजर आती है। हम देखने का ये जो है तो ये भी किसी न किसी उपयोगिता में उनके काम आता रहा होगा। अभी वर्तमान में यहाँ अंदर देखने पर एक सिंदूर के कुछ रंग से रंगे हुए कुछ पत्थर की आकृतियाँ हैं जिन पे हार चढ़े हुए हैं, तो अवश्य ऐसा लगता है कि किसी देवता के रूप में इन्हें यहाँ स्थापित किया है। लेकिन पूर्व में ये अवश्य ही यहाँ जो सैन्य परिवार रहते होंगे, सैनिक रहते होंगे, उनकी सुरक्षा का, उनके रहवास का कोई एक ये क्षेत्र रहा होगा। ये जो ऊपर जहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे ये पत्थर के चढ़ाव दिए गए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इन्हीं के द्वारा ही जो सुरक्षा कर्मी या तैनात रहते होंगे इन्हीं के द्वारा ऊपर चढ़ कर के और यहाँ की सुरक्षा का एक वो अपना संभालते होंगे। ये ऊपर बड़ा गोलनुमा आकृति में यहाँ पर पूरा विद्यमान है, अब वर्तमान में पूरी तरह से खंडर है और ये यहाँ का वास्तविक रूप जो हमने आपको दिखाया है यहाँ की यथा अवस्था है। हम वर्तमान में कजलीगढ़ किले में जो प्राचीन भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ पहुँच चुके हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ बंदर काफ़ी तादाद में हैं और जितने यहाँ पर दर्शनार्थी कम आते होंगे उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लाल मुंह और काले मुंह दोनों ही रूप के बंदरों को यहाँ देखा जा सकता है। तो यहाँ एक आप इधर देखेंगे तो एक मादा बंदर जो है अपने बच्चे के साथ में है। बहुत ही यहाँ पर बंदरों का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। अब हम महादेव का जो यहाँ से मंदिर है वो 113 चढ़ाव नीचे उतर के आता है और अंदर बताया जाता है कि एक गुफा है, गुफा के अंदर भोलेनाथ विराजित हैं, तो हम प्रयास करेंगे नीचे चल के भोलेनाथ को गर्भ से देखने का, दर्शन करने का। आइए चलते हैं नीचे 113 चढ़ाव नीचे उतर करके। हम यहाँ से अगर देखते हैं तो जैसे जैसे नीचे उतरेंगे हम तो एक बहुत ही खूबसूरत माहौल यहाँ को देखने को मिलता है। दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, हरियाली है और हरियाली के साथ में एक हम जो एक जैसे माता जी के तीर्थस्थानों पर जाते हैं और एक माहौल देखते हैं, एक बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ आकर के दर्शकों का। या आप देखिए यहाँ भी बंदर, हर जगह बंदरों की काफ़ी तादाद है
और इन्हें देखने में भी थोड़ी सुरक्षा भी हमें रखनी पड़ेगी कि बंदर कहीं आप पर अटैक ना कर दें। आपकी चीज़ें छीनने के लिए कैमरा हमारे हाथ में है, तो उसे भी संभाल के चलना होगा। अब हम जो है 113 चढ़ाव उतरने के बाद में उस गुफा के स्थान में पहुंच चुके हैं जहां पर कि भोलेनाथ विराजित हैं। हम कोशिश करेंगे, ये नंदी महाराज तो हमें सामने ही नज़र आ गए हैं। और एक विशेष चीज़ कि जहां जहां महादेव विराजित होते हैं वहां पानी का स्रोत अवश्य पाया जाता है, वही मनोरम दृश्य इन पहाड़ियों के बीच में एक पहाड़ियों से बहता हुआ झरना जो कि इसी खूबसूरती को और भी कहीं ज़्यादा बढ़ाता है और एक दृश्य को एक बहुत ही यहाँ आने वाले दर्शकों का यहाँ भक्तों का एक अनुपम एक आनंद देने वाला एक यहाँ का बहुत खूबसूरत माहौल है। बहुत ही खूबसूरत झरना ऊपर से नीचे आता हुआ और वो गुफा देखने की कोशिश करेंगे हम जहाँ पर कि महादेव विराजित हैं। आइए हम कोशिश करते हैं उस गुफा के करीब से दर्शन करने का। ये पूरा हम देखते हैं तो पूरा एक पहाड़ है और एक छोटी सी गुफा यहाँ बनाई हुई है। और अब नीचे की तरफ देखते हैं हम तो ये यहाँ पर आप देखें अंदर की तरफ में थोड़ा नीचे बैठ के अगर हम दर्शन करते हैं तो अंदर महादेव विराजित है। बहुत ही पूरा गुफा का एक बहुत दृश्य है कि छोटे शिवलिंग के रूप में महादेव विराजित है और आप देखेंगे पूरा अंदर। यहाँ पर हमें भोलेनाथ साहब में गणेश जी और माता जी दर्शन भी होते हैं और यहाँ भी हम आने के बाद में एक भक्त मिले हैं। आपका नाम है साहब? रजत सोलंकी। रजत सोलंकी जी हैं जो कि हर रविवार को यहाँ पर बाबा की सेवा पूजा अर्चना करने आते हैं। हम इनसे इस जगह के बारे में और इस मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो महिमा है प्रतिभा है वो क्या है। रजत जी कुछ बता पाएंगे इस मंदिर के बारे में? सर मंदिर का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बहुत तो पुराना है मंदिर तो। अच्छा, बाकी साक्षात बाबा है यहाँ पे। तो आप क्या महसूस करते हैं, मतलब क्या आपको महसूस ऐसा होता है कि इस ऑटोमेटिक इच्छा होती बुलाने की? अच्छा, मतलब आपका निवास आसपास ही या दूर है? मेरा देवास में। देवास से आते दर्शन करने आप हर रविवार को? हाँ। हर रविवार को सोलंकी जी जो है वो दर्शन करने नित्य नियम है रविवार का यहाँ आते हैं। और आपको बताना है कि यहाँ बाबा स्वयं इतना आकर्षण है कि इन्हें बुलाते हैं और जो मुरादें हैं जो आपकी दुआएं हैं तमन्नाएं सारी यहाँ पूर्ण होती हैं। और बाकी इस मंदिर ऐसा करेंगे पर पंडित जी हैं उनसे पूरी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर की महिमा और प्रतिभा के बारे में। कजलीगढ़ किले के बारे में कई सारी कथाएँ और कई सारी कहानियाँ जो प्रचलित हैं कि खौफनाक और चीखों का जो एक खौफनाक दृश्य दर्शकों के एक दिमाग में बैठा दिया गया है। पूरा कजलीगढ़ किला घूमने के बाद में यहाँ यही जान पड़ता है कि सारी गलतियाँ जो कुछ यहाँ पर घटना घटित हुई हैं उसके पीछे पीछे कहने की हमें लापरवाही या आने वाले युवाओं की गलतियाँ जो कि अनजाने में एक सुनसान जगह पर आप एकांत में आप जाते हैं और यहाँ के जो लोकल निवासी थे उन्होंने उनका फ़ायदा उठाया और जो कुछ घटनाएं घटित हुई उसकी वजह से ये जगह बदनाम हुई है। अन्यथा अगर आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से आते हैं या ऐसी किसी जगह नहीं जाते या पूरी असुरक्षा है या सुनसान जगह है तो इस दृश्य में इस जगह में ऐसा कोई दोष या ऐसा किसी प्रकार की कोई घटना या खौफनाक दृश्य का कोई किस्सा या कोई कहानी जुड़ी हुई नहीं है। अतः जब भी यहाँ कोई आए तो कृपया ऐसी जगह पर आप न जाएं जो पूरी सुनसान हो या जहाँ पर भीड़भाड़ कम हो, लोगों का आना जाना कम हो। महादेव के थोड़ा सा पहले एक पहाड़ का गुफानुमा एक क्षेत्र है ऐसा प्रतीत होता है और वहीं पर माता जी की एक प्रतिमा को बैठाया गया है। तो यहाँ आकर के आप माता जी की और महादेव की दोनों के ही दर्शन का अपना लाभ उठा सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ पर अगर नजदीक से हम देखते हैं तो आपको झरना बह रहा है और झरने के साथ में जो पानी बह रहा है उसको भी काफी आप नजदीक से देखें तो आपको लगेगा। और आसपास का ये जो पहाड़ से सटा हुआ पूरा एक जो हरियाली से पेड़ पौधों से सटा हुआ क्षेत्र है जो कि आने वाले दर्शकों का भक्तों का अब एक मन भो लेते हैं और यहाँ इच्छा करती है कि हम बार बार यहाँ पर आएं और एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। आप परिवार के साथ में दोस्तों के साथ में यहाँ अवश्य एक पिकनिक के लिए यहाँ आ सकते हैं। मंदिर होगा ये बेटा, ये पुराना तो इतना मंदिर है, ये हमको भी प्रमाणित मिला है, ये करीब करीब सतयुग त्रेता द्वापर की चीज है। त्रेता द्वापर युग का मंदिर है ये। हाँ, मगर ये चीज जो भोलेनाथ के भी दर्शन करे जी, ये कुछ दिन पहले ही से दर्शन हुए, तो पहले ये दर्शन क्यों नहीं हो पहले नहीं हो पाते थे, कोई जानते ही नहीं था, वो ऐसी जगह बैठे थे। अच्छा, हाँ, ये कितने वर्ष पहले की घटना है? ये घटना करीब करीब हम यहाँ आए हैं सबसे पहले 1998 में, उसके बाद ही पता लगा महादेव यहाँ विराजित हैं। विराजित हैं, तो इसके पहले एक इंदौर से लड़का आया था, तो वो एक दिन मरने के लिए यहाँ आया, बोला हम माँ बाप को कैसे अब पता लग जाएगा, हमने इतना कर्जा कर लिया कैसे जवाब देंगे, तो वो आया आत्महत्या करने के लिए यहाँ, तो वो यहाँ से छलांग लगाने के लिए तैयार हुआ तो नीचे से आवाज़ आई, हे बच्चा क्या कर रहा, तो आवाज़ आई तो इधर तो देखा, सब दूर देखा कि कोई है नहीं, हमारे साथ में भी कोई नहीं है, वो आवाज़ कैसी आई मीठी, तो उसकी हिम्मत भाई कि मरना तो यही गिरना, नीचे से आवाज़ बड़ी मीठी आ रही, चलो नीचे उतर के देख रहे, जड़ पकड़ के पत्थर पकड़ के वो नीचे गया। तो ये रास्ता नहीं था पहले? तब नहीं था, ये रास्ता नीचे तक नहीं था। हाँ, ये बाद में बना है? ये बाद में बना है, तो उसी ने फिर ये रास्ता बनवाया, उसने कैसे बनवाया, जब नीचे गया तो साधु के रूप में जो दाढ़ी बेटा कमंडल हाथ में लिए और साधु के रूप में भगवान खड़े, पहुँच गए, बच्चा क्या करना चाहता था, तो उसके मुंह से निकले हम आत्महत्या कर चाहते तुम्हारा, बोला क्यों, तो उसने अपनी विथा बताई पूरी, विथा जब बताई तो वो तो भोलेनाथ थे साक्षात मनुष्य के रूप में, हमने कहा बेटा यहाँ कोई मरता नहीं, ये अमरनाथ, पीछे देख मुड़ के तो गुफा दिखी, खोकाल, बोला गुफा है महाराज खोकाल अंदर, बोला फिर देख क्या आया, देखा तो शिव जी की इतनी देखी, जब देखी तो उसने कहा कि ये महाराज भोलेनाथ हैं, बोला ये भोलेनाथ हैं अमरनाथ हैं, अमरनाथ भोलेनाथ हैं, यहाँ कोई मरता नहीं बेटा, तू मरने आया, तो अब उसको पेड़ा दी, बोला अब पीछे और देख मुड़ के क्या है, तो देखा तो भोलेनाथ के सामने पास में तो का सिक्का रखा, बड़ी चमक रहा चांदी जैसा चमक रहा, बोला महाराज कुछ नहीं दिख रहा इसमें भोलेनाथ के अलावा, एक सिक्का दिख रहा चांदी जैसा चमक रहा, तो बोला उठाओ क्या है, उठाया उठाया, बोला महाराज ये दो का सिक्का है, तो वो दो का सिक्का उनने भोलेनाथ ने कहा ठीक है रख, और उनने भोलेनाथ ने कुछ उसको परमात्मा भी थे उसके भाग खोलने के लिए कुछ बता दिया नंबर, उसने जाके लगा दिया सिम रोल में, जय हो, खुल गया, तो उससे वादा कर लिया था भोलेनाथ, बेटा आपका भाग खुल जाए तो हमारा जी मार्ग बनाना, हर हर महादेव जय शंभु, मार्ग जरूर बनाना, तो उसने उसके पास संपत्ति मिली, उसने फिर गांव वालों की मदद से मजदूर और सहयोग से ये हटाव करा। महाराज अभी भी चौरसिया यहाँ पे आते हैं? अब नहीं आता बेटा, उसके परिवार जुड़ा है। अच्छा। हाँ, वो चौरसिया बाद में 2007 में मर गया। अच्छा अच्छा, उस समय नहीं मरा, उनके परिवार आते हैं। अब एक दिन हम घूमते फिरते आए, आज की 25 साल पहले 1998 में जब हम आए तो ऊपर किला में गए, किला में एक मूर्ति रखी थी, आज तो मंदिर भव्य, तो उस तरफ ऐसे ऊंचे ऊंचे टीले थे, कुछ भी नहीं था, तो ये भी आपने निर्माण करवाया फिर बाद में? फिर 2011 में ये हुआ, हम अमरनाथ गए थे कुछ भक्तों के साथ, तो भक्त लोग हमसे जुड़े, तो ये पहले हमने ये गेट बनवाया। अच्छा, भक्तों महाराज जैसे यहाँ पर एक सुनने में आता है कि जगह जो है खौफनाक है और चीखें सुनाई देती हैं, और सब कुछ होता है, जानवर रहते सब प्रकार के, चीखें सुनाई देती सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं, देवताओं की ये तो नगरी भूमि है, मतलब ये वहम माने दादा यहाँ पर वहम है लोगों का। और काफी दिन पहले, आज के 10-15 साल पहले तो यहाँ पर इतने टाइम कोई रुकते ही नहीं था।
आज यहाँ पे हादसे हुए हैं, जो सिखों की बात है, ये नौजवानों की लापरवाही की वजह से हादसे हुए, नौजवानों की लापरवाही, लड़का लड़कियों आते जी, थे जी, जी 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 आते थे तो बैठ गए, मतलब इसमें ये माना जाए कि बच्चों की नादानी की वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो ये जगह सुरक्षित है, कोई ऐसा डरावना माहौल यहाँ नहीं है। उसके बाद में कजलीगढ़ नाम क्यों रखा गया इसका? इसको कजलीगढ़ नाम क्यों रखा गया कि पहले सतयुग द्वापर त्रेता में ये कजली बंद था, कजली बंद था। हाँ, ये कजलीगढ़ कब से हुआ? ये कलयुग लगा आला उदल के टाइम, ये अपना माड़ोगढ़ है, माड़ोगढ़ है, माधोगढ़। हाँ, तो ये जम्बे राजा का था। अच्छा, और उसी के राजा का एक लड़का था और एक बहू थी, उसने यहाँ किला बनाया, कजली नाम रानी का था भाई। अच्छा, तो कजली गढ़, गढ़ माने किला, किला बनाया तो उसके नाम तो कजली गढ़ होगा, नहीं पहले कजली बनता, कजली बनता पहले। आज मैंने प्रयास किया है वो कजलीगढ़ के बारे में जो रहस्य कायम थे और जो भ्रांतियां फैली हुई थी उन्हें पूर्ण तरह दूर करने का, वास्तविकता में असलियत क्या है और दिखाया क्या गया है उसे जानने का हमने पूरी तरह से प्रयास किया है। आपको लगता है कि मेरा प्रयास सही है और मेरा वीडियो एक सही मार्ग पर है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हम अगली बार फिर मिलेंगे और भी कुछ अच्छे वीडियो के साथ में, अच्छी जानकारियों के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।